देश के विकास में जो रेवड़ी कल्चर है वो घातक है, क्या मानते हैं आप? नहीं, रेवड़ी कल्चर तो अपने देश के लिए घातक है ही। देखिए, अपने देश के अलावा भी आप इतर कई देशों को आप देखिए तो उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई केवल और केवल ये रेवड़ी कल्चर, क्योंकि जब जो जो भी सरकारें आती हैं अपने वोट बैंक में, चाहे जातिगत हो चाहे धर्मगत हो पंथगत हो, अपने विशेष समुदाय को खुश करने के लिए अपने विशेष सब्सिडी योजना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका वोट बैंक तो मजबूत होता है लेकिन जो देश का जो बैंक है वो खाली हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इससे बहुत सारे देशों को निवाला निकल गया है। तो हम लोग को रेवड़ी कल्चरों से बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि भारत को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो चाहे उनके रोजगार के तौर पे हो। अब देखिए, पहले आप शायद कुछ सालों पहले आप देखेंगे भारत के प्रत्येक मनुष्यों के पास अपना स्वरोजगार होता था। आज भी गाँव में चले जाइए कोई बेरोजगार नहीं मिलेगा, कोई खेत में काम करता मिलेगा, कोई रोड पर काम करता मिलेगा, कोई अपना मड़ही बनाएगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन उनके पास स्वरोजगार है। लेकिन शहरों में क्या है, रेवड़ी कल्चर योजनाओं के कारण लोग क्या है, शिक्षित तो हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। तो जब रेवड़ी कल्चर योजनाएं जब खत्म होगी तो लोग स्वावलंबी बनेंगे, अपना थोड़ा संघर्षमय काल रहेगा लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति आत्मनिर्भर होंगे, और रेवड़ी कल्चर खत्म होने से देश हमारा आत्मनिर्भर होगा, और जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। वरना ऐसा ना हो कि हम भी अन्य देशों की तरीके देश तो रहे लेकिन वहाँ पे कटोरा आ जाए। लोगों को मेहनत की ओर प्रेरित करना चाहिए, लोगों को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो मेहनत करें। आप समझ लीजिए, जैसे घर में ही देख लीजिए, अगर एक बच्चा है हम बार बार उसको कोई चीज मांगा पैसा देते रहे, एक समय ऐसा है उसका घर का काम करने की आदत तो खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी हैबिचुअल खत्म हो गया ऐसा। फिर बाद में जब वो, अब एक समय ऐसा आएगा जो गार्जियन है कमजोर तो होगा लेकिन बच्चे की आदत तो खराब हो चुकी रहेगी, तब वो क्या करेगा, गार्जियन और उसके बीच क्या होगा, मतभेद पैदा होगा। ठीक वैसे ही जब रेवड़ी कल्चर से देश कंगाल हो जाएगा तो देश के प्रति जो हमारा आस्था और विश्वास है वो खत्म हो जाएगा, फिर देश में विद्रोह होगा जैसे श्रीलंका में हुआ, फिर आपातकाल लगेगी और फिर देश क्या हो जाएगा, गर्त में चला जाएगा। इसलिए भारत देश को स्वर्णिम और पुनः भारत भाग्य विधाता बनाने के लिए हम सब लोग को लगना पड़ेगा और इस रेवड़ी कल्चर से बाहर आना पड़ेगा।